आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक स्तंभ जो अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बन रहा है, के शिखर का उन्नयन कोण इसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर कितना है? 45 डिग्री है। उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 अंश हो जाए तो उसके लिए स्तंभ को और कितना ऊंचा बनाना होगा? पहला विकल्प दिया है 120 मीटर, दूसरा दिया है 100 मीटर, तीसरा दिया है 120√3 मीटर, चौथा दिया 120 ब्रैकेट में √3-1 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। चलो बनाते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा स्तंभ जो कि पूरा नहीं हुआ है, मान लीजिए यहां पर था, तो यहां से कितना बना रहा है कोण? कितना बना रहा है? 45 अंश बना रहा है। कितना बना रहा है? 45 अंश। कितनी दूरी पर बना रहा है? 120 मीटर। उसके जो पाद से दूरी कितनी है? 120। इसको मान लेते हैं बी बिंदु, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं सी। ठीक है, ओके। तो यहां से कितनी है? 120 मीटर। ये क्या? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोण वही अगर तो इसी बिंदु जो ये बिंदु है इसी पर क्या जाए कोण 60 कर दिया जाए तो हमें और कितनी ऊंची ऊंचाई की क्या बनानी पड़ेगी? स्तंभ को बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यह ऊंचाई तक स्तंभ को बनाना पड़ेगा जिससे कि ये जो पूरा कोण है कितना, ये वाला पूरा कोण है कितना बन जाए? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या त्रिभुज किसमें सब परपेंडिकुलर है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या होगा? टेन पैंतालीस बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। देखो ये कोण ना, कोण के सामने भुजा क्या होती है? लंब। तो वही बी सी बटे में क्या हो जाएगा? 120। तो हमारा बी सी बराबर हो जाएगा, टेन पैंतालीस का मान होता है एक, तो हो जाएगा 120 मीटर। क्या हो जाएगा? 120 मीटर। यानी कि जो हमारा स्तंभ था पूरा नहीं हुआ था उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 120 मीटर। ये भी हो गया आपका 120 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे? अब समकोण त्रिभुज में किसमें? समकोण त्रिभुज कौन से, इसका नाम डी रख देते हैं, ए डी बी में। किसमें? ए डी बी में। ठीक है, ए डी बी में। तो क्या हो जाएगा? टेन 60 बराबर हो जाएगा कितना? डी बी या बी डी बटे में हो जाएगा कितना? बी डी बटे में हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो टेन 60 अंश का मान कितना होता है? √3। ठीक है, और बी डी, बी डी का मान कितना होगा? बी सी प्लस सी डी, और ए बी का मान कितना है? 120। ठीक है, और BC का मान कितना है? देखो यहाँ पर 120 मीटर ना, तो ये देखो 120 जो इसमें गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 120√3 बराबर BC बराबर में 120 है, और CD का मान कितना है? H। तो H का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 120√3-120। तो जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर 120 कामन ले लें, क्या ले लें? 120 कामन ले लें तो कितना हो जाएगा? √3-1 मीटर। क्या है जो कह रहा था कि उसके लिए स्तंभ को कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा? तो 120 मीटर तक ऊंचा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा आंसर है, कौन सा आंसर? जो चौथा विकल्प है वही क्या है? हमारा सत्य आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।